सभी मित्रों को जय श्री राम। एक बार सभी कनेक्ट हो जाएं। एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, उसके लिए मैं आप सभी के समक्ष आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित हैं वो यहां पर कमेंट में रहेंगी, वो बताएंगी किस तरीके के हालात उनके साथ हुए हैं, उनके भी कमेंट आप देखिएगा। और जो मीडिया ने न्यूज़ दिखाई है वीडियो खत्म होने के बाद, मैं वो भी आप सभी से शेयर करूंगा। और सबसे अहम बात, जो आप बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि भैया आपकी आप तक कोई मैसेज पहुंचाना हो, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाती, क्योंकि फिल्टर्ड मैसेज जो है उसमें करीब 10 लाख मैसेज मेरे पास पड़े हैं, तो असंभव है देखना जो फिल्टर्ड मैसेज में है, वहां पर नहीं देख पाऊंगा मैं। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर 9536717148 जो पहले मैंने बंद कर दिया था, उसका रीजन ये था कि उस पर 24 घंटे कॉल आती थी, 24 घंटे। तो मैंने वो दोबारा स्टार्ट केवल इसलिए किया है कि आप सभी से प्यार है, लगाव है, इसलिए से दोबारा स्टार्ट किया है। वो नंबर सचिन सेरा उठाएगा, सचिन के पास वो नंबर रहेगा, आप केवल उस नंबर पर अपनी जानकारी, कहीं का कोई मामला होता है, जैसे आराम अरविंद वर्मा जी, आप केवल वो मामला भेज सकते हैं। और अगर कभी कभी फोन नहीं उठता है तो आप उसको बिल्कुल भी दिल से ना लगाएं उस बात को, कि उसका भी एक लिमिट होती है। और ये मेरा अनुरोध है कि जिनका कोई काम हो या कोई घटना हो वो ही भाई बहन फोन करें 9536717148। और अगर कॉल पिक नहीं होता है, बाई चांस ऐसा होता है, तो उस पर आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इसलिए मैं आज खुलकर पूरे हिंदुस्तान के सामने लाइव वीडियो में अपना नंबर जारी कर रहा हूं, जो नंबर मैंने पहले चलाया था, लेकिन उसका रीजन ये रहा था कि उस पर 24 घंटे कॉल आने लगी थी कि हमें उपदेश भैया से बात करनी है, उपदेश भैया से बात करनी है। देखिए वो संभव नहीं हो पाता, ये नंबर सचिन सेरा के पास रहेगा, आपकी सारी जानकारी वहां तक होगी, कोई मैटर कहीं होता है आप उसके लिए मुझे फोन कर सकते हैं उस नंबर पर। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है। अब मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पर जिस पर मुझे बात करनी है। देखिए साध्वी है गांव सेला थान, ध्यान से सुनिएगा और सभी शेयर कीजिएगा, इनवाइट्स कर ले और शेयर करें कि हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। और जो ये अधिकारी कुछ बने बैठे हैं और जो आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचने देते, मामले को किस तरीके से दबाने का प्रयत्न करते हैं, उस पर मैं मामले पर आ रहा हूं। आप सभी एक एक शेयर कर दें, इन्वाइट्स कर दें, ताकि ये मामला पहुंच जाए, पूरे हिंदुस्तान में मामला पहुंच जाए। 21 दिसंबर की घटना है, 21 दिसंबर जो पिछला वर्ष गया है, 21 दिसंबर की घटना है। एक गांव पड़ता है ब्लॉक भगतपुर, भगतपुर ब्लॉक में, जिला मुरादाबाद में, गांव का नाम है सेला थान। सेला थान आपने वीडियो भी देखी होगी, सेला थान गांव पड़ता है। वहां पर जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वहां पर हमारी साध्वी जो है, जिनका नाम है गुरु मां साध्वी मुनीश्वरी गिरी, दोबारा नाम मैं बता दूं, वो कमेंट में भी आ चुकी होंगी, गुरु मां साध्वी मुनीश्वरी गिरी, जो कि सेला थान में जो गांव पड़ता है उसमें, वहां पढ़ा, मतलब जो स्कूल है उसमें प्रधान अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं वहां सेला थान में, जो भगतपुर ब्लॉक में मुरादाबाद में है, वहां पर वो प्रिंसिपल हैं। उस गांव का, सेला थान गांव का जो प्रधान है, जो वर्तमान प्रधान है, उसका नाम है इंतजार हुसैन, इंतजार हुसैन उसका नाम है। ये मुरादाबाद से जो साध्वी जी हैं, साध्वी जी का नाम दोबारा मैं ले दूं, मुनीश्वरी गिरी, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई है, रोते हुए वो बता रही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, आप तक वो वीडियो पहुंची भी होगी सोशल साइट पर, और कैसे कैसे उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो सब मैं भी बता रहा हूं, वो भी बता चुकी हैं, वो कमेंट में भी आ चुकी होंगी। उनसे मेरी कल फोन पर बात हुई, आज मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने कहीं से नंबर लिया, मुझ तक ये सूचना पहुंचाई, हर सूचना मेरे तक नहीं आ पाती, लेकिन जैसे ही पहुंचाई ऐसे ही मैंने इस चीज पर आपके समक्ष बात रखने के लिए मैं आ गया हूं, आप सभी शेयर करते चले। तो 21 तारीख को गांव सेला थान में वहां के वर्तमान प्रधान इंतजार हुसैन ने, जिस स्कूल में ये प्रधानाध्यापक हैं, जहां पर प्रिंसिपल हैं, गुरु मां आ चुकी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, मैं गुरु मां अपनी आईडी से कमेंट में आ चुकी हैं। तो जहां पर ये प्रिंसिपल हैं, जिस गांव का नाम है सेला थान, जिस विद्यालय में, वहां पर इंतजार हुसैन गया, पहले से काफी टाइम पहले से इन पर दबाव बनाया जा रहा है, जो इन्होंने मुझे बताया है कि मुझसे गाड़ी की मांग की जा रही है कि आप जो है यहां पर बच्चे बढ़ाइए और मुझे एक नई गाड़ी निकलवा कर दीजिए, इस तरीके की बातें इन्होंने मुझे बताई है। दूसरी बात, जो इंसिडेंट जो उस दिन हुआ है, जो गुरु मां है, जो गुरु मां से मेरी फोन पर बात हुई है, उन्होंने जो बताया है और जो कोर्ट को भी बताया है, उन्होंने बताया है कि 21 तारीख को वो स्कूल में आया और स्कूल में आने के बाद तमंचा लगाया उनकी कनपट्टी पर,
और उनके साथ जितनी भी दरिंदगी हो सकती है, जितनी भी दरिंदगी, वो दरिंदगी वहां पर की, मतलब रेप करने की कोशिश की, मैं सीधा लफ्जों में बता रहा हूं, रेप करने की इंतजार हुसैन द्वारा कोशिश गुरुमा के साथ हुई है, वो इन्होंने 164 के जो बयान होते हैं, स्टेटमेंट होती हैं, वो भी वो दे चुके हैं, 164 के बयान भी दर्ज करा चुकी हैं गुरुमा, और वो कमेंट में भी आ चुकी हैं, और जो वीडियो है न्यूज ने दिखाई है वो मैं इसके बाद शेयर कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या उसके बाद मैं आपको बताता हूं, 21 दिसंबर की ये घटना है, इनके साथ बदतमीजी की, और इन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कैसी कैसी दरिंदगी इनके साथ वहां पर, उसने जो गांव का प्रधान है इंतजार हुसैन, उस स्कूल में क्या क्या दरिंदगी इनके साथ नहीं की, मैं अपने वर्ड्स में नहीं बता सकता हूं, इतना दरिंदगी उस इंतजार हुसैन ने की। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, लगातार जब ये मुकदमा कायम करने के लिए वहां पर गई, तो 21 तारीख की घटना के बाद जो वहां जो उन्होंने मुझे बताया है, वर्तमान जो एमएलए हैं उनसे मिलकर के मुकदमा दर्ज हुआ 26 तारीख को, 26 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया गया, 21 तारीख की घटना है लेकिन 26 तारीख को यह मुकदमा दर्ज किया गया। 26 तारीख में मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं आपको बता दूं, उसको केवल लॉकअप में 2-4 घंटे के लिए लॉकअप में रखा गया और उसको छोड़ दिया गया, और लगातार प्रेशर गुरु मां पर लगातार प्रेशर आ रहा है लगातार कि आप मुकदमा वापिस लीजिए, आप मुकदमा वापिस लीजिए, तरह तरह की धमकियां इनको मिल रही है, जहां पर रहती है वहां पर बंदे पहुंच रहे हैं हथियारों के साथ, गाड़ियों के साथ, पूरा इन पर दबाव बनाया जा रहा है, पूरा दबाव। और मैं कह देना चाहता हूं आज ये आवाज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाए कि जो इनके आला अफसर हैं इस तरीके के, वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैं सीधी सीधी आपसे भी ये बात बोल रहा हूं, इस चीज को शेयर करते चलें कि अब हम क्या करेंगे। तो ये घटना है, उसके बाद मैं बता रहा हूं जो पीड़िता गुरु मां है जिन्होंने मुझे बताया है कि जो उस भोजपुर थाना पड़ता है, भोजपुर थाने का जो इंचार्ज है उसने इनसे मिलने की पेशकश की, और 28 तारीख को 26 में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी इंतजार हुसैन को लोकअप से छोड़ने के बाद 28 तारीख को रेलवे स्टेशन पर, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर इनको बुलाया मिलने के लिए कि मुझे आपसे मिलना है, बात करनी है, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी गवर्नमेंट निकलवा सकती है या जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो निकलवा सकते हैं जो ऊपर के अधिकारी बैठे हैं। 28 तारीख को इनको मिलने के लिए बुलाया रात में 9:30-10:30 बजे, जो भी समय रहा हो, जैसा कि इन्होंने मुझे गुरु मां ने बताया है। एक इंचार्ज का पीड़ित से मिलने का क्या मतलब रहेगा, थाने में बुलाइए आप, थाने में बात कीजिए, आपको बयान लेने हैं या क्या करना है। रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया, इनको धमकाया गया मुकदमा वापिस लेने के, लगातार इन पर दबाव बनाया जा रहा है, और मैं देखिए इस आवाज को दबने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी आवाज को दबने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। आप एक एक शेयर करते चलें, वहां पर प्रशासन द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता करो। 28 तारीख की रात को थाना इंचार्ज ने इनको बुलाया है, केवल 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, 354 के तहत, और जबकि मेडिकल में गुरुमा का मेडिकल हुआ है, मेडिकल में जो चोट लगी है उन चोटों की पुष्टि भी हो गई है कि किस तरीके से चोट इनको वहां पर मारी गई, इनके चोट पर, इनके शरीर पर चोट के कैसे निशान थे। ये सारा वाक्य मैं आपको बता रहा हूं वो गुरुमा बता चुकी है, और जो विजुअल वीडियो है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा कमेंट में। इसके बाद आप इस आवाज को शेयर जरूर करें ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि किस तरीके का ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने जो है समझ लिया है क्या कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा मध्य प्रदेश में कार्यक्रम जो पहले से थे वो लगे हुए हैं, सिर्फ एक हफ्ते का समय प्रशासन को है कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजें, और अगर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, उसको चार्जशीट नहीं किया गया, जो जो उस पर धाराएं लगनी चाहिए, मार पिटाई भी हुई है, अटेम्प्ट टू रेप भी हुआ है, सारी चीजें उस पर नहीं चार्ज लगाया गया जो लगता है बयानों के हिसाब से, तो मैं ये वादा करता हूं आप सभी के समक्ष, गुरु मां को अपने साथ ले जाकर माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उनके पास ले जाऊंगा, और वो ही इस चीज में सुनवाई करेंगे। एक सप्ताह बाद मैं यहां से मध्य प्रदेश से जाने के बाद सीधा गुरु मां से भी आग्रह करूंगा, मेरी बात हो चुकी है, और हम दोनों मैं मुरादाबाद पहुंचूंगा और उनको लेकर के बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी के पास लखनऊ में हम पहुंचेंगे और वहां गुहार लगाएंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, एक साध्वी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है ग्राम प्रधानों के द्वारा, और वहां का जो प्रशासन है वो इस तरीके का वाक्य कर रहा है, जांच के नाम पर डरा रहा है, धमका रहा है, मुकदमा वापिस लो, इस तरीके से ये दबाव लगातार बना रहे हैं, लगातार दबाव बनाया जा रहा है गुरु मां के ऊपर। तो क्या कोई सुनने वाला नहीं है, क्या मुरादाबाद पाकिस्तान है या सऊदी अरब है, क्या है मुरादाबाद? और वो डेली अप डाउन वहां से करती हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उनको किसी तरीके का कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है, कल को कोई उनके साथ घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर केवल हम लिखते रह जाएंगे फेसबुक साइट पर, ये हो गया वो हो गया, अभी कोई सुनने वाला नहीं है। और आप सभी ने वीडियो देख ली होगी, लेकिन जैसा मुझे
मेरी बात हुई गुरु माँ से फोन पर, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया। वो मेरे भाई, एक भाई रहते हैं सऊदी में जॉब के लिए गए हुए हैं, नागेंद्र जी, हाँ मुझे याद आ गया, उनसे नंबर लिया, तब मेरी बात हुई गुरु माँ से। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप इस आवाज को शेयर करके समस्त हिंदुस्तान में पहुंचाएं, और प्रशासन को बिल्कुल डेडलाइन है कि एक हफ्ते में जो इसको चार्जशीट किया जाए, जो इनको 164 के बयान हुए हैं उसके आधार पर, या जो रिपोर्ट लिखवाई है उसके आधार पर। और मैं ये भी बता दूं कि निर्भया कांड के बाद 354 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मैं सबकी जानकारी रखता हूं, ऐसा नहीं है कोई जानकारी नहीं है। तो किस आधार पर उसको बेल दी गई या छोड़ा गया कि 354 एक गैर जमानती अपराध है 354। आप इस आवाज को शेयर कर दें। कोई भाई लिख रहे हैं, भैया भोजपुर का विधायक मुस्लिम है, सपा का ये उसी के सारे पर हो रहा है, कुछ कमेंट्स में आ रहे हैं। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जो वहां के रहने वाले हैं क्या कर रहे हैं, इस आवाज को पहुंचाएं और आप सभी गुरु माँ के साथ खड़े हों। मेरा बिल्कुल इस लाइव के माध्यम से आप सभी को अनुरोध है, और मैंने जैसे कि मैंने घोषणा कर दी है कि अगर उसकी गिरफ्तारी विद इन 1 वीक नहीं होती, उसको जेल नहीं भेजा जाता मामले की जांच कर, तो मैं गुरु माँ के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में पहुंचूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा, वो मेरे साथ जाएंगी और हम वहां से न्याय की गुहार करेंगे, और हम कहेंगे कि इस तरीके की घटना जो हो रही है उन पर लगाम लगाई जाए। ये जो कुछ अधिकारी हैं इस मामले को दबाने का, या जो भी कर्मचारी हैं प्रयास कर रहे हैं, ऊपर तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आप एक शेयर करेंगे, ये पूरा मामला पहुंच जाएगा और आज ही वायरल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। तो हमारी, मेरी यही आप सभी से अपील है इस लाइव के माध्यम से कि जितना हो सके इस आवाज को शेयर कर दें, और कहीं भी कोई मामला बनता है, और गुरु माँ को मैं कह देना चाहूंगा सबसे पहले तो उनको चरण चरण स्पर्श सादर प्रणाम। तो गुरु माँ आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मैं बिल्कुल और हर हिंदुवादी आपके साथ खड़ा है, और आपको न्याय मिलकर रहेगा हर कीमत पर। हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे, लाइव बना दिया हमने, अपना काम खत्म कर दिया। अगर एक हफ्ते से पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो एक हफ्ते बाद मैं खुद मुरादाबाद पहुंच रहा हूं, और सभी हिंदुवादी भाई पहुंचेंगे, और वहां से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य महाराज जी के पास चलेंगे, आदित्यनाथ जी के पास चलेंगे। ये मेरा बिल्कुल आप सभी से वादा है। तो आप सभी शेयर करें, और देखिए खामोश रहने का समय नहीं है, कहीं भी कोई मामला होता है उस चीज को आप शेयर करें। और गुरु माँ को मैं फिर एक बार दोबारा नतमस्तक होकर बोल देना चाहता हूं, आप इन धमकियों से ना डरें, आपके पास मेरा नंबर है, व्यक्तिगत नंबर है, आप मुझे कभी भी फोन करें। मुरादाबाद में भी ये मान चलिए हजारों भाई अपने ऐसे हैं जिनको मैं आज यहां से भी अपील करता हूं कि आप उनका साथ दें, और आप मुझे बताएं कि तुरंत आपका मैसेज पहुंच जाएगा, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ये मेरा आपसे गुरु माँ आपसे वादा है। और इसीलिए मैंने देखिए नंबर चालू किया है, मैंने पहले नंबर अपना चालू किया था जो मैं बता चुका हूं 9536717748, वो मैंने नंबर इसीलिए बंद कर दिया कि अगर आप, मतलब आप लोगों के द्वारा इतने फोन आते थे कि 24 घंटे वो फोन बजता था 24 घंटे, लेकिन अब तक अब मेरे पास मामले नहीं पहुंच पाते थे। कुछ भाइयों ने वादा किया कि ज्यादा कॉल नहीं करेंगे, कोई मामला होगा या तो आपको हम मैसेज कर देंगे, टेक्स्ट मैसेज या जितना संभव हो सकेगा। और ये मैं बता रहा हूं, वो फोन मेरे पास नहीं रहेगा, वो सचिन सेहरा जो मेरे साथ रहता है उस फोन को पिक करेगा। तो कृपया करके आप जो अर्जेंट मैटर है, जो घटनाएं, उनके लिए आप उस नंबर पर मैसेज दे सकते हैं, उस नंबर पर बता सकते हैं। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, मैंने आपको आप बार बार नंबर मांग रहे थे, मैंने ये भी कर दिया। गिरी साडा जी ने लिखा है 9536717748, बिल्कुल यही नंबर है, व्यक्तिगत नंबर जो सचिन सेहरा पिक करेगा, मेरे साथ रहता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज से ना घबराएं, नंबर मैंने दे दिया है, और कहीं का भी कोई मामला होता है आप उस पर सूचना कर सकते हैं। 24 घंटे में आप सभी भाइयों बहनों के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए खड़ा हूं, कहीं आपके साथ न्याय नहीं होता, कहीं कोई बात होती है तो बिल्कुल मैं आप सभी के समक्ष खड़ा हूं, और इस तरीके से ही खड़ा रहूंगा। आवाज उठाई जाएगी, जबरदस्त आवाज उठाई जाएगी। कुछ भाई और कोई का प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। तो इस गुरु माँ का आप साथ दें, मेरा आपसे यही कहना है, गुरु माँ का आप हर हालत में साथ दें। मुरादाबाद का ये मामला है, ईश्वर प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु ईश्वर भाई ने लिखा है, इंसाफ दिलाकर रहेंगे और हर कीमत पर इंसाफ दिलाकर रहेंगे गुरु माँ को। और जो यहां कुछ आ रहे हैं कमेंट में, उनको आने दीजिए, उनकी आदत है, हम सभ्यता रखते हैं, उनको करने दीजिए जो करते करते रहेंगे, इनकी हालत खराब हो रखी है एक्चुअली, तो इनको तो यही काम बचा है कमेंट करने का ही, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा सभी से ये मैसेज है कि जितना हो सके इस लाइव वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें जितना हो सके, ताकि गुरु माँ को न्याय मिल सके। और कुछ भाई लिख रहे हैं कि पद्मावती के बारे में, देखिए बिल्कुल जो उन्होंने नाम चेंज करके पद्मावत कर दिया है, और उसको जो एक रिलीज करने का ये प्रोग्राम बना लिए हैं, तो उस पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए अब की बार 26 जनवरी एक ऐतिहासिक होगी अगर पद्मावत को हिंदुस्तान में रिलीज किया जाता है, ये भी मैं वादा कर रहा हूं। 26 जनवरी ऐतिहासिक होगी, क्योंकि हम समझौता बिल्कुल भी अपने मान सम्मान के साथ ना तो किया है ना करेंगे,
बोलते कम है करते ज्यादा है, बोलने की आदत नहीं है, उसका भी एक बिल्कुल प्लान तैयार हो चुका है। हर हिंदुस्तान के हर जो भी शहर है, मेन मेन शहर, उनमें पूरी टीम तैयार हो चुकी है हम किस तरीके से विरोध करेंगे। और बिल्कुल भी पद्मावत को चलने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। जो पद्मावती के बारे में कुछ पूछ रहे थे भाई बहन जो मैसेज कर रहे थे, राजू यादव हिंदू भाई, तो मैं आप मेरा आपसे सभी से यही कहना कि जो मैटर मेरे पास आ जाते हैं मैं उनको उठाता हूं और आप सभी के सामने रखता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उन पर आवाज उठती है तो आगे तक पहुंचती है, क्योंकि आप आगे तक पहुंचाते हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है। कुछ भाई लिख रहे हैं रविंद्र रवि पाटीदार चरण स्पर्श दादा, देखिए कोई आप ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिए, मैं आप सभी का भाई हूं, बिल्कुल मैं आप सभी का भाई हूं, आप केवल जय श्री राम बोलिए, प्रणाम या चरण स्पर्श ये चीज मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आगे से कोई चीज ना करें। राहुल धोलपुरे भाई, नंदकिशोर पाटीदार, बिल्कुल आज आप सभी से मिलना हुआ नंदकिशोर भाई, शिवचरण शर्मा जी, ठाकुर राहुल चौहान, राहुल भाई खतौली में आऊंगा जैसे ही समय लगेगा, मैं खतौली आऊंगा, अपने अर्पित भाई हैं उनसे लगातार मैं टच में हूं, आऊंगा जो जरूर बताऊंगा मैं उत्तर प्रदेश में। उमेश कंडारा भाई, मैं आ रहा हूं 14 तारीख में बदनावर जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचने आ रहा हूं मैं। अतुल शुक्ला भाई, हाँ ये आते हैं पोस्ट पर आते हैं, इनको आने दीजिए, इनकी जो है ये केवल यही कर सकते हैं, ये इनको पोस्ट पर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको आने दीजिए पोस्ट पर, कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना ये, कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास इनको निकालनी पड़ेगी। अब क्या करें बेचारे, कमेंट से निकाल सकते हैं और तो इनके पास कोई जरिया है नहीं कि क्या करें, सामने आने की औकात नहीं है इनकी, तो कमेंट तो करेंगे ही ये। जी उमेश भाई बिल्कुल, मान्या जी जय हिंदुत्व, विष्णु वैष्णव जी जय सियाराम। तो जितना हो सकता है गुरु माँ के लिए इस वीडियो को शेयर करें और उनको न्याय दिलाने के लिए अपील करें, ट्विटर पर लिखें, फेसबुक पर लिखें, जैसे भी लिखें, जहां भी लिखें, इस आवाज को बुलंद करें, आवाज पहुंचनी चाहिए सभी तक कि जो साध्वी हैं अपनी गुरु माँ उत्तर प्रदेश में मुनीश्वरी गिरी जी, उनके साथ कैसी घटनाएं की हैं, कैसी घटनाएं एक ग्राम प्रधान ने, कैसी घटनाएं ग्राम प्रधान ने की है, किस दरिंदगी से मतलब उनको शिकार बनाया गया है, क्योंकि वो उस गांव में प्रिंसिपल हैं, वो वहां का प्रधान है इंतजार हुसैन, तो किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की है, अटेम्प्ट टू रेप किया है, चोट मारी गई है, गालियां दी गई हैं, क्या नहीं किया गया है, और न्याय के नाम पर जो वहां के अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं जो भी हैं वो केवल धमकाने पे लगे हैं, वो केवल समझौते के लिए दबाव बनाने पे लगे हैं। पुलकित सरस्वत लिख रहे हैं भाई मैं सरधना से हूं, बिल्कुल 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 भाई हैं आप, सरधना तहसील है मेरी। संजय राठौर जी दादा अपना ख्याल रखें, बिल्कुल आप सभी का भाइयों का प्यार है मेरे साथ, बिल्कुल। विष्णु वैष्णव भाई बीकानेर आओ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान की अवधि पूरी होने दीजिए, मैं बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, और अभी एक कार्यक्रम करने की सोच रहे हैं वहां से, अगर परमिशन कोर्ट से मिलती है तो मैं बिल्कुल आऊंगा। सीमा जी लिख रही है हुकुम, हमारी टीम आपसे एक बार मिलना चाहती है आप, मैसेज एक बहन का मैसेज था वो चले गया, देखिए दोबारा कर दीजिएगा मैसेज, मैं बिल्कुल, वो मैंने नंबर दे दिया जिस बहन ने मैसेज किया है, आप उस पर टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकती हैं, या जो भाई छोड़ना चाह रहे हैं, अगर कॉल नहीं पिक होती है, कोई ज्यादा कॉल्स आती हैं, कॉल आपको वेटिंग में मिलती है, तो आप वहां पर टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं 9536717148, वहां पर वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा, इट्स माय प्रॉमिस। विजय राणा जी सही कह रहे हैं भाई, यू आर ए ग्रेट मैन, राणा के नाम डूबने मत देना भाई, बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल बिल्कुल। सुनील सिंह कभी बिहार के पूर्णिया, सनातनी सौरभ सिंह भाई, धन सिंह भाई, पुलकित भाई थैंक यू। राहुल पटेल लिख रहे हैं जिग्नेश मेवानी के खिलाफ भी कुछ करना होगा भाई, औकात नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे लोगों को रोकना आज आप सभी का कर्तव्य है, बिल्कुल आप सभी की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को रोकना जो इस तरीके का देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां भी हैं आप, जहां से भी हैं, एक आपने अपने अंदर यूनिटी लाइए, एकता लाइए, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, जो इनका मंसूबा है, जो ये करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल भी सफल नहीं होंगे, अगर आपके अंदर जागरूकता है, आपके अंदर बिल्कुल अवेयरनेस है। तो उपदेश भाई विदिशा में 16 को आरती करवानी, बिल्कुल मैं सीधा कह चुका हूं 16 तारीख में, जो वहां पर सेंट मेल मिशन कॉलेज है मैं वहां भी आ रहा हूं 16 तारीख को विदिशा में, बिल्कुल आरती होगी, आरती नहीं होगी महाआरती होगी, राहुल भाई बोल चुके हैं कि वहां आरती नहीं होगी, अब की बार महाआरती होगी। तो आप विदिशा के सभी, विदिशा की धरती को प्रणाम करते हैं, विदिशा तक भी मेरा मैसेज पहुंच जाए कि आप तैयार रहिए 16 तारीख को, जहां पर आरती के लिए बैन कर दिया है, तो वहां पर यहां आरती नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान में जाकर थोड़ी ना आरती करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और एक जगह नहीं हजार जगह करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सभी साथ रहें इतना ही काफी है। तो सभी इस आवाज को पहुंचा दें, और मैंने नंबर अपना आप छोड़ दिया है आप सभी के पास,
वो नंबर जो सचिन सेहरा मेरे पास करीब एक वर्ष से है उसके पास रहेगा, आप उसको कॉल करें, कोई अर्जेंट मैटर हो तब अर्जेंट मैटर बताएं। मेरे बार बार आपसे निवेदन है, बार बार आपसे निवेदन है कि जो अर्जेंट मैटर हो उसकी जानकारी आप दें, और बाई चांस फोन पिक नहीं होता आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, वो टेक्स्ट मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा। नंबर सभी ने नोट कर लिया होगा, तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं अपनी वाणी को। आप सभी ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।